हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आइए, क्या आप सब ठीक होंगे? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा वर्ल्ड लाइफस्टाइल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अपनी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक ले ली है। मैंने बनाते हुए तो दिखा दी, उसके बाद ना मेरे को याद ही नहीं, मैंने फटाफट पी ली, पीती हुई नहीं दिखाई। तो मैंने आज जीरा पानी पिया है, रात को मैंने भिगोया था और सुबह सुबह मैंने उसको गर्म गर्म पी लिया है। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने कर्टन्स लगा रखे हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आज बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैंने आज ना 3 लेयरिंग के कपड़े पहने हुए हैं। 3 चीज़ें पहन रखी है मैंने, पहले नीचे पहना, फिर ऊपर पहना, फिर ये तीन तीन कपड़े पहने। ठंड बहुत लगती है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डबल ट्रिपल लेयरिंग पहन के रखूँ, अच्छा लगता है मेरे को। तो बस मैंने अपनी ड्रिंक ले ली है, अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। अभी सिर्फ टाइम हुआ है 8:30 का, 9:45 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो बस मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। चलो देखो मेरे साथ मैं क्या खाती हूँ अभी ब्रेकफास्ट में, तो चलो साथ में किचन में। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म वेजिटेबल पोहा, जिसमें वेजिटेबल्स में मैंने लिया है मटर लिया है, टमाटर लिया है, शिमला मिर्च लिया है, प्याज लिया है, हरी मिर्च लिया है और थोड़ा सा पोहा जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। तो चलो बनाते हैं। सरसों का तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूंगी राई। अब मैं इसमें सारी वेजिटेबल जो भी हैं सारी की सारी ऐड कर दूंगी साथ में ही। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे मिर्ची। देखिए जब अच्छे से सब सारे मसालों को सारी सब्जियां जब तक गल नहीं जाती तब तक भून लेंगे। थोड़ी सी मैं मूंगफली के दाने डालूंगी, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि ना मेरे को ना ज्यादा ना फ्राई की हुई अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, ये सब्जियों के साथ ही गल जाएगी थोड़ी सी। तो ये वेजिटेबल्स अच्छे से गल चुकी है, अब मैं ये खिला खिला पोहा डाल दूंगी। इसको बस मैंने एक ही बार वॉश किया है, अगर आप ज्यादा बार वॉश करोगे तो अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए आप पोहे को हमेशा एक ही बार वॉश करें और फिर सिम पे बनने दें इसको 5 मिनट। तो गर्मा गर्म पोहा रेडी, अब इसमें धनिया ऐड करेंगे। मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके आ चुकी हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है वेजिटेबल पोहा, सारी वेजिटेबल जो मैंने घर पे रखी थी मैंने डाली है इसमें, मटर, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम डाला है और बहुत हेल्दी से मैंने पोहा बनाया। आज मेरे को मूंगफली डालना भूली नहीं, मैं मूंगफली को मैं ऐसे ही डालती हूँ और एक अच्छा सा मैंने पोहा बनाया है। अगर नींबू ऐड करना चाहते हो तो आप नींबू भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं खाती हूँ नींबू इसके ऊपर, और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट पे, इससे हमारा पेट तो भरेगा ही भरेगा, इनफैक्ट हमारा वेट लॉस भी होगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसका टेस्ट करके देखते हैं कि बना कैसा है। तो ये बहुत अमेजिंग बना है, धनिया डाला उससे फ्लेवर, सारे फ्लेवर इतने अच्छे आ रहे हैं राई के, वेजिटेबल्स के, तो बहुत ज़्यादा यमी बना है। ऐसे ऐसे नाश्ते में यही चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, इससे पेट भी भरे और हमको खा के मज़ा भी आए, क्योंकि हमने कल से डिनर किया होता है, उसके बाद हम कुछ हेल्दी से अच्छा जिससे हमको एनर्जी भी मिले पूरा का पूरा दिन, तो हमको अपनी चॉइस के अनुसार हेल्दी से नाश्ता करना चाहिए पोर्शन कंट्रोल करके। और इसके साथ आप चाय के कप ले सकते हैं गुड़ या शक्कर वाली। तो चलो मैं इंजॉय करती हूँ अपना नाश्ता, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कलरफुल है ये। A few moments later. तो मेरी लंच का टाइम हो गया, लंच में बनाने लगी हूँ हेल्दी सा एक सैंडविच, बहुत अच्छा था, जिसके लिए मैंने एक ही मल्टीग्रेन ब्रेड ली है, प्याज कट की है, ये है लेटस, साथ में मैंने लिया टमाटर और ये पनीर को मैंने नमक मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन डाल के मिक्स कर लिया है, ये है घर पे बनी हुई पुदीने की चटनी। तो चलो बनाते हैं एक अच्छा सा मल्टीग्रेन सैंडविच। सबसे पहले मैं इन ब्रेड्स को अच्छे से सेक लूंगी विदाउट घी। सबसे पहले मैं एक ब्रेड स्लाइस पे ये पुदीने की चटनी लगा दूंगी। अब मैं इसमें पनीर की फिलिंग ऐड करूंगी। आप अपने चॉइस की वेजिटेबल सैलेड वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इसमें टमाटर ऐड करूंगी, थोड़े से मैं प्याज रखूंगी इस पे। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैंने पनीर के बीच में नमक मिर्च ऐड किया हुआ है। ऐसा मैं इस पे लेटस रख दूंगी, बस इसको कवर कर देंगे। तो हमारा रेडी है हेल्दी सा पनीर सैंडविच। तो मैं अपना लंच रेडी करके आ चुकी हूँ। लंच में आज मैंने बनाया है ये सर्वे स्टाइल एक सैंडविच बनाया है, और ना मेरे पास ना सॉसेस वगैरह रखी थी, कुछ हेल्दी सॉसेस भी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज होते हैं, जैसे कि हम स्वीट अनियन वाली भी यूज़ कर सकते हैं, हम बारबेक्यू वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास कोई भी सॉस मैं घर पर नहीं है, तो मैं लेके आऊँगी, मेरे पास कोई भी सॉस नहीं है। तो मेरे पास ना घर पर बनाई हुई ना ग्रीन चटनी रखी हुई थी, तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है, तो मैंने उसका यूज़ किया और पनीर भी मैंने रखा हुआ, तो सिंपल सा मैंने सैलड वगैरह बना के डाल के इसमें और ये बनाया है, और
काफी हेल्दी ऑप्शन होता है और मेरे को खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास रखा हो तो मेरे को लगा ये ना खराब ना हो जाए, इसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, फिर थोड़े नहीं खा सकते हम, तो मैंने जल्दी जल्दी यही बना लिया और लेटस वगैरह डाल के हेल्दी सा अपना ये सैंडविच बनाया। और ये मल्टीग्रेन ब्रेड का है, बहुत टेस्टी लगता है, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ बना कैसे है। ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया, मैंने कट भी नहीं किया इसको। बहुत अच्छा बना है घर के सिंपल मसालों में, और इसको ना एक हाथ से खाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें फिलिंग ज़्यादा होती है, सैलड वगैरह होता है तो प्लेट एक हाथ से पकड़ रखी है तो इसको खाने में डिफिकल्टी हो रही है। मैं कैमरा बंद करके इसको आराम से खाऊंगी, इंजॉय करूंगी, और ये बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, लंच में इनको कार्ब्स वगैरह जरूर लेने चाहिए ताकि आपका वेट लॉस भी हो और आपको ज़्यादा क्रेविंग्स भी ना हो, तो इसलिए लंच में मैंने आज ये प्रेफर किया और ये बहुत टेस्टी, सच्ची में बहुत टेस्टी बना है। तो चलो मैं आराम से खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. सभी टाइम हो चुका है 7:30 का और मैं अपनी वीडियो का यही पे एंड कर रही हूँ। मैंने आपको अपना डिनर नहीं दिखाया क्योंकि डिनर में मैंने सिर्फ आज खाया है एक बाउल पपीता का, खाया है बाउल भर के, और ऐसा कुछ खाया नहीं। आपको लगेगा पपीता कट करके दिखा रही है, बस बाउल मैंने एक पपीते का खाया। और मैं अपनी नाइट ड्रिंक आज लूंगी, दालचीनी का पानी लूंगी 9 बजे तक। तो मैं अपना काम करते करते मेरे को लगा मेरे को वीडियो का यही पे एंड कर देना चाहिए। तो आज आपने देखा होगा मॉर्निंग में मैंने पोहा खाया, लंच में मैंने एक सैंडविच बना के खाया था, और मैंने इवनिंग में थोड़ा सा वो लिए थे 5-6 बादाम, एक अंजीर ली थी और एक कॉफी थी ब्लैक कॉफी, और जो 11:30-12 बजे मैंने लिया था ग्रीन टी, साथ में एक किन्नू लिया था, और अभी मैंने एक पपाया खा लिया एक बाउल भर के। बस मेरा रूटीन सारा दिन यही रहा, 3-3.5 लीटर पानी पिया, तो बस आज का यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो आपको लग रहा होगा ज्यादा कुछ है नहीं आज व्लॉग में, क्योंकि डिनर मेरे को ना थोड़ा ज्यादा काम था आज, तो डिनर में मैंने फटाफट वही खा लिया, मेरा उससे पेट भर गया क्योंकि ज्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि सैंडविच थोड़ा हैवी था इसलिए ज्यादा भूख नहीं थी। तो आज आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है मैं कार्ब्स नहीं खाती, अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में तो आपका वेट पता है आपका लूज तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप खाने लगोगे रोटी राइस वगैरह ये चीजें खाने लगोगे तो आपका वेट है वो दोबारा आ जाएगा। इसलिए आपको एक टाइम तो आपको कार्ब्स लेने ही लेने चाहिए, चाहे आप लंच में ले, चाहे आप ब्रेकफास्ट में ले, चाहे आप डिनर में ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या किस टाइम पे खाना है। लेकिन मैं ज्यादातर कार्ब्स लेती हूँ लंच में क्योंकि मेरे को लंच में अच्छा लगता है, या फिर मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, डिनर में मैं इतना नहीं लेती, कार्ब्स अवॉइड करती हूँ। तो आज का फुल डे रूटीन मेरा बस यही था। आप बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने नहीं तो एक लाइक करना भी मत भूले। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।